दो बड़े साइज के प्याज को कट कर रखा है, और यहाँ मैंने अदरक के दो छोटे टुकड़े लिए हैं और एक गट्टे लहसुन के लिए हैं, जिसे मैंने छिलका निकाल के दोनों को साथ में रख लिया है कूटने के लिए। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं आलू पत्ते गोभी की मिक्स सब्जी बनाने। मैंने गैस पे पैन रख दिया गरम होने के लिए, गैस के फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। तो फ्रेंड्स ऑयल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे दो चार मिर्ची के दाने जिसे थोड़ा चटक भी देते हैं, और 1 चम्मच के चौथाई डालेंगे हींग। हींग और मेथी पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे दरदरा कूटा हुआ अदरक और लहसुन और इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। एक मिनट के करीब मैंने इसे भून लिया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज। गैस का फ्लेम मीडियम लो है, प्याज को हमें गोल्डन होने तक भूनना है। प्याज को जल्दी सॉफ्ट करना है तो फिर इसे हम कवर कर देंगे स्टीम होने के लिए, और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो चुका है, अब हम प्याज को थोड़ा चला लेते हैं और फटाफट से इसमें हम कटे हुए टमाटर को भी ऐड कर देंगे। प्याज टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम लो कर देते हैं, लो फ्लेम पे इसे हम कवर कर देते हैं। जब पूरी तरह प्याज टमाटर गल जाए, तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुका है, आइए चेक कर लेते हैं। जो टमाटर और ऑनियन है इसका जूस है ये, इसमें मैंने पानी नहीं डाला है। अब इसे हम बिना ढके ही थोड़ा सा भून लेंगे, जो पानी है तो पूरी तरह से ड्राई हो जाए इसका। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम ऐड करेंगे पत्ते गोभी को, पत्ते गोभी को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा इसे हम ऊपर नीचे के साइड पलट लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने इसे अच्छे से टमाटर प्याज के साथ मिक्स कर लिया है, और पत्ते गोभी की जो क्वांटिटी थी वो थोड़ी सॉफ्ट होने के बाद कम हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कटे हुए आलू को, आलू को ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम करके और इसे हम बिना चलाए ऐसे ढक देंगे, क्योंकि आलू थोड़ा स्टीम होगा तभी सॉफ्ट होगा। तो 5 मिनट बाद इसे हम फिर से चलाते हैं। तो फ्रेंड्स 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, आलू पूरी तरह स्टीम हो चुका है, अब इसे हम चला लेते हैं। मैंने सब्जी को चला लिया है, अब इसमें हम कुछ मसालों को ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग मिर्च पाउडर, और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और लास्ट में हम ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स 1/2 चम्मच गरम मसाला।
बस इतना ही मसाला हमें ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। सब्जी को अच्छे से मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे इसे हम 20 मिनट तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सभी मसालों को मिक्स कर लिया है। अब इसे हम कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, एक बार चेक कर लेते हैं सब्जी को। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, अभी तो सब्जी अच्छे से पकेगी और इसका टेस्ट काफी अच्छा आएगा। आप देख सकते हो सब्जी बिल्कुल भी नीचे से जली हुई नहीं है और जो हमारा आलू है वो पूरी तरह से पक चुका है। अभी इसे हम 10 मिनट तक और पकाएंगे। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुका है तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स सब्जी पूरी तरह से पक चुकी है। अब आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और मैंने यहाँ कसूरी मेथी लिया हुआ है जिसे दोनों हाथों से हल्का सा मसल के और इसमें हम ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी से सब्जी का टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अभी हमारे पास फ्रेंड्स धनिया अवेलेबल नहीं है तो मैंने कसूरी मेथी का यूज किया है। अगर धनिया होता तो धनिया भी यूज करते और कसूरी मेथी, दोनों को साथ में यूज करिए, उसका टेस्ट और ही अच्छा आता है। तो फाइनली हमारी पत्ते गोभी और आलू की मिक्स सब्जी बन चुकी है। आइए इसे हम सर्व बॉल में निकाल लेते हैं सर्व के लिए। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने इसे सर्व के लिए निकाल लिया है। आप कमेंट करके जरूर बताना हमारा आलू और पत्ते गोभी का सब्जी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा और मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।